उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने इस्कॉन मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। इस्कॉन के संस्थापक महाप्रभु जी को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे फिर से मौका दिया है, मैं उनका आभार जताती हूं। अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। इसके बाद हेमा मालिनी ने विक्रमोत्सव के अंतर्गत भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित प्रदर्शनी आर्ष भारत का उद्घाटन किया। सबको उज्जैन में पहले भी आ चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है और यहाँ पर आज शाम को मेरा नृत्य कार्यक्रम है उज्जैन महाकाल का। कल शिवरात्रि है, उसके पहले उसी पर्व में उज्जैन नृत्य नाटिका मेरा दुर्गा की मार आपकी मार 400 पार के बाद भी कुछ और है। भगवान ने इनको तीसरी बार मौका दिया है और निश्चित रूप से आज राधा मदन मोहन जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, तो हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि ऐसा कुछ कर जाए इस बार कि जन्म जन्म तक लोग याद रखे, ऐसा कोई काम कर जाए। और शायद इसीलिए भगवान ने अपने प्रिय भक्त को पुनः एक बार अवसर दिया है। पर आई हूँ यहाँ पर, आज मेरा कार्यक्रम है शाम को, इसके लिए मैं आई हूँ, दुर्गा का प्रस्तुति कर रही हूँ। और मुझे इस वक्त मैं यहाँ पर उज्जैन के इस्कॉन के मंदिर है राधा मदन मोहन मंदिर में आई हूँ, क्योंकि मैं इस्कॉन के साथ मेरा बहुत पहले से पुराना संबंध रहा है, जिनकी वजह से मैं बहुत सारे चीजें मैं प्राप्त किया है, मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति सब कर दिया है और मुझे इसकी वजह से मुझे ब्रज का भी सेवा करने का अवसर मिला है एक सांसद के रूप में। तो मैं इसीलिए हमेशा धन्यवाद करती हूँ हमारे इस्कॉन के सभी भाइयों को, जितने भी गुरु हैं यहाँ के सबका मैं प्रणाम करती हूँ। मैडम 400 पार का नारा क्या? हाँ जी, 400 पार तो होगा ही होगा, हमारा प्रधानमंत्री जी का जो है उनका जो सपना है जो चाहते हैं वैसे हो रहा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा भव्य काम किया है पूरे देश में, देश के हर एक व्यक्ति के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने इतना विकास किया है, जिसकी वजह से हमें 400 पार जरूर होने वाला है।